सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल, व्हाई यूनिट सर्कल. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि एंगल्स को रेडियन में लिखते हैं और 2π तक सारे एंगल्स होते हैं. कहीं पे π/6 होता है. तो ध्यान से सुनिए, सपोज एक सर्कल हमने बनाया जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट. इसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट. सो अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल. तो ये है एक इसका सेंटर एंड इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 1. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0. ठीक. सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है पी. ओ से पी को हम ज्वाइन कर देते हैं तो टर्मिनल लाइन मिलती है. ये OP एक्चुअली इस सर्कल की रेडियस भी है. तो OP इज ऑल्सो 1 यूनिट. ठीक. तो ये जो सर्कल की रेडियस ही है तो ये 1 यूनिट होगी. जब ये OP एक्स एक्सिस में होती है उस समय थीटा होता है 0. जैसे जैसे ये OP मूव करती है एंटी क्लॉक वाइज थीटा बढ़ता जाता है. एट दिस मोमेंट सपोज दिस एंगल इज थीटा. जैसे जैसे OP वाई एक्सिस की तरफ जाएगी थीटा विल इंक्रीज. जब ये OP वाई एक्सिस को कॉन्साइट करेगी दैट टाइम थीटा वुड बी 90 डिग्री. 90 डिग्री को हम कहते हैं π/2. जब ये 90 डिग्री से आगे जाएगी ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट. एवरीबडी नोस दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब कैसा हो कि बिना कुछ लर्न करे सारे एंगल्स 7π/6, 3π/4, 11π/6 सारे एंगल हमें खुद से मिल जाएं. बस इसी की एक ट्रिक होती है यूनिट सर्कल. वो सारे एंगल्स हम खुद से बना सकते हैं. क्या होती है उनकी वैल्यू, क्योंकि लर्न करना उतना ईजी नहीं है. तो वी कैन मेक और वी कैन रिमेंबर ऑल द एंगल्स. कहाँ पे कोई एंगल है ये भी पता कर सकते हैं. एग्जैक्टली कहाँ है 7π/6 अभी नहीं मालूम है, अभी पता चल जाएगा. और उसकी वैल्यू क्या होती है ये भी. आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि आप स्पेशल एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. π/4 यानी कि 45 डिग्री 1/√2. साइन भी होता है 1/√2, कॉस भी होता है 1/√2. π/3 यानी 60 डिग्री में भी साइन कॉस पता है अपन को. 30 डिग्री π/6 पे भी पता है एंड π/2 यानी 90 पे भी पता है. अगर आपको स्पेशल एंगल जो क्लास 10th में पढ़े थे उसके याद हैं तो अब हम सबके भी निकाल सकते हैं. ठीक, ध्यान से आप इसको समझ लीजिए. यूनिट सर्कल में एंगल्स की लोकेशन क्या होती है वो पता करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ईच क्वाड्रेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू 3 पार्ट्स. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. फिर ओरिजिन से उसको ज्वाइन कर लीजिए. हमने यूनिट एक सर्कल बनाया उसके 3 पार्ट्स किए और सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया. तो देखिए बच्चों, हम ये है थीटा इक्वल्स टू 0. 30 यहाँ पे 30 होगा, यहाँ 45 होगा, यहाँ 60 होगा, है ना. लेकिन यहाँ का तो याद भी हो जाएगा लेकिन बाकी का क्या. तो अब इसका एक ट्रिक है क्या कि जो एक्स एक्सिस से क्लोज है, जो एक्स एक्सिस से क्लोज है वहाँ लिख लीजिए π/6. सब में जो एक्स एक्सिस से क्लोज है सब जगह लिख लीजिए π/6. एक्स एक्सिस से क्लोज है π/6 सब में. एक्स एक्सिस से क्लोज वाला जो लाइन है उसमें सब जगह क्या लिखना है, π/6. और जो वाई एक्सिस के क्लोज है वहाँ लिखना π/3. और बीच वाला बच गया वहाँ क्या लिखना है, π/4. हर जगह यहाँ का तो हमें पता था लेकिन बाकी सब में भी वही होगा. मिडिल वाले में क्या लिखना है, π/4. ये मिडिल वाला ये यहाँ पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस से क्लोज है तो क्या लिखना है, π/3. यहाँ पे π/4, मिडिल π/4, यहाँ पे π/3. तो एक आइडिया मिल गया कि क्या एक्चुअली एंगल जो होंगे उसका डिनोमिनेटर पता चल गया है. तो फिर से एक छोटा सा रिविजन, हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया है, सर्कल के 3 पार्ट्स कर लिए हैं. दिस थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई, दिस इज थीटा इक्वल्स टू π/2, दिस थीटा इक्वल्स टू 3π/2. इतना सबको पता है. सर्कल के 3 पार्ट्स कर लिए. जो पार्ट वाई एक्सिस के क्लोज है वहाँ π/3 लिख लिया सब में, π/3. y एक्सिस से क्लोज π/3, y एक्सिस से क्लोज π/3. जो पार्ट x एक्सिस से क्लोज है वहाँ π/6 लिखते गए, π/6. और मिडिल वाले में क्या लिखा, π/4. अब एक ट्रिक याद रखिएगा, SF. SF का मतलब क्या होता है, यू नो इट, एज सुन एज पॉसिबल
ठीक, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक का काम करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में ए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पी, इससे पता चलेगा एग्जैक्ट एंगल कौन सा होगा एस एफ से। ठीक है, ए फॉर एज इट इज, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं एंगल यही होते हैं, जो लिखे वही तो होते हैं ना। सेकंड में क्या लिखा है एस, सेकंड में क्या लिखा है एस, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, क्या करना है डिनोमिनेटर में जो एंगल है उससे एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर आ जाएगा। थ्री से एक कम करेंगे, टू पाई बाई थ्री होता है ये एंगल। फोर से एक कम करिए, दिस एंगल इज थ्री पाई बाई फोर। सिक्स से एक कम करिए, दिस एंगल इज फाइव पाई बाई फोर। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ होता है कौन पता चल गया। ठीक, नाउ यहाँ की ट्रिक क्या थी, ए फॉर एडिशन, अब डिनोमिनेटर को ऐड करके पता चलेगा न्यूमरेटर। सिक्स में एक ऐड करिए, दिस इज सेवन पाई बाई सिक्स। फोर में एक ऐड करिए, दिस इज फाइव पाई बाई फोर। थ्री में एक ऐड करिए, दिस इज फोर पाई बाई थ्री। ठीक, नाउ लास्ट इज पी, पी फॉर प्राइम नंबर्स। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं आपको पता है, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, ये सब होते हैं ना। लाइन का नाम क्या होता है, फिर से लिख रही हूँ मैं, इस लाइन का नाम है थीटा इक्वल्स टू थ्री बाई बाई फोर, थ्री बाई बाई टू। तो थ्री प्राइम नंबर पहले से लिखा है, थ्री के आगे के प्राइम नंबर्स लिखना चालू करिए। फाइव, दिस इज फाइव पाई बाई थ्री। सेवन पाई बाई फोर, सेवन के बाद दिस इज इलेवन पाई बाई सिक्स। बन गए सारे एंगल्स एग्जैक्टली कौन कहाँ होता है। ठीक, अभी तो वैल्यू भी निकालेंगे इनकी, अभी तो ये पता चला है कि कौन कहाँ होता है, इनकी वैल्यू भी पता चलेगी अभी ट्रिक से। अब एक छोटा सा और रूल समझना है, हम सभी ने बहुत पहले से जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी आपको पता है कि दिस वर्टिकल एंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट ओरिजन, और ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट, दिस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग बिहेवियर बताते हैं, इस बिहेवियर को आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, ए एस टी सी रूल। और ए एस टी सी रूल्स को याद करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ ऐसे हम लोग डेली लाइफ में कुछ वर्डिंग से इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ए एस टी सी, एड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, आज स्कूल तुम्हारी छुट्टी, ऑल सिल्वर टीकप्स, कुछ भी कह सकते हैं। याद क्या रखना है, इस क्वाड्रेंट में ए यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सब, चाहे जो होंगे। इसीलिए तो टेंथ में कोई नेगेटिव नहीं आया था, क्योंकि टेंथ में अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पढ़े थे। तो अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट से इंट्रोड्यूस किए हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है वहाँ पे साइन और कॉस, एस फॉर साइन, और तुम्हें पता है कि साइन के को फॉलो करता है कोसेक, क्योंकि कोसेक उसका रेसिप्रोकल होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस याद रखना, एस फॉर साइन, सेक वैक नहीं याद रख लेना, बेसिक साइन कॉस टेन ही तो है। तो एस फॉर साइन, इनकी सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, याद हम साइन को रखे थे, कोसेक तो उसको फॉलो करेगा ही, तो साइन एंड कोसेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सी फॉर टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, टेन है तो कौन भी होगा, कॉट। एंड सी फॉर कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस है तो सेक भी होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको रूल, ए एस टी सी रूल से। ठीक, अपन को समझ आ गया कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ रही है तुरंत तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट यानी टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये याद रखना है। सिर्फ ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसलिए दें ताकि आप चीज़ें याद रखो, आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स ना हो। बच्चों, हमने ये पता लगा लिया कि कौन सा एंगल एग्जैक्टली यूनिट सर्कल में कहाँ पे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज। ठीक, वैल्यूज़ के लिए पहली बात याद रखनी है कौन कब पॉजिटिव होता है, वो याद हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा यूनिट सर्कल फिर से बनाया है क्योंकि हम ये पता करने वाले हैं कि इसकी जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा ना कि हर एक पॉइंट का कोई एक्स होता है और कोई एक वाई होता है, उसे हम लोग साथ में लिख देते हैं तो बन जाते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब ये इसका एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। यूनिट सर्कल के एक्स का क्या मतलब है और यूनिट सर्कल के वाई का क्या मतलब है ये बता रही हूँ अब मैं आपको। सपोज ये यूनिट सर्कल है, इसमें एक पॉइंट पी है जिसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसकी रेडियस 1 है
एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक, आप बता सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? x. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? x. तो OM हो जाएगा आपका x. वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? y. y है यहाँ पे लिखा हुआ है y. कैन यू सी इट इज विजिबल? सबको विजिबल है? वर्टिकल डिस्टेंस इज y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x. अब क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए. अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए. cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो पढ़ा था ना. तो x अपॉन हाइपोटेनस कौन है? OP है, यानी कि 1. OP इज 1, यूनिट सर्कल है. तो OP इज 1, यानी कि cos थीटा x, यानी कि जो यूनिट सर्कल होता है उसमें किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं बल्कि cos थीटा होता है. यूनिट सर्कल में जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज द वैल्यू ऑफ cos. चलिए y की बात कर लेते हैं. साइन थीटा निकालिए इसी ट्राइंगल में. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि y अपॉन 1, यानी कि y साइन. तो जब हम यूनिट सर्कल में x लिखते थे तो हम समझ जाना cos की बात हो रही है. जब यूनिट सर्कल में y लिखेंगे समझ जाना साइन की बात हो रही है. साइन और cos मिल जाए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो मिल ही जाती है. ये तो आपको पता है, 10th से ही पता है ना. तो अब हम लोग ये डिस्कस करने के बाद कि x ही cos थीटा है और y ही साइन थीटा है, इनकी वैल्यूज निकालते हैं. लेट्स फाइंड द वैल्यूज. याद हो तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू बताइएगा. साइन पाई बाई सिक्स यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है. साइन 45, साइन 60, साइन 90. वैल्यू याद थी, लिख लिए. ठीक है, अब साइन 0 0. अब जो यहाँ पर जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखने वाला है दैट इज एक्चुअली कॉस. कॉस है ये, कॉस 90, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 0. अब आ गया क्योंकि याद था वैल्यू. ठीक, अगर 40 0, ये स्पेशल एंगल्स पे वैल्यू याद है तो बाकी का भी अभी अभी बनने वाला है. अभी इसी जो याद है उसी के बेसिस पे हम बाकी के निकालेंगे. कुछ नहीं करना है. अब ये मत सोचो कि बहुत सारी कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी. अब इसी जो इतना याद है उसी के बेसिस पे हम बाकी के एंगल्स निकालने वाले हैं. वैल्यूज अब हम लिखने वाले हैं. कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट है. ठीक, सबसे पहले तो क्या करिएगा कि सुनो, वाई एक्सेस से जो जिस ऑर्डर में वैल्यू जा रहे हैं उसी ऑर्डर में बस कॉपी पेस्ट करो वैल्यूज. जो वैल्यू ये लिखा है ना इसी को उठा के यहाँ रखना है. तो अब क्या होगा, यही वैल्यू हम इसी ऑर्डर में लिखने वाले हैं. 0 1 है 1/2, रूट 3/2, 1/√2, 1/√2, रूट 3/2, 1/2. ठीक है, अब बस प्लस माइनस याद रखना है. चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कौन होता है पॉजिटिव? साइन और कॉसेक. साइन और कॉसेक, तो अभी तो कॉसेक की तो बात हो ही नहीं रही है, साइन. तो जो साइन वाला है यानी कि सेकेंड वाला, उसको पॉजिटिव रखो और जो फर्स्ट प्लेस है दैट इज फॉर कॉस, उसको नेगेटिव कर दो. अब फिर से क्या करना है, फिर से वही वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर रहा है. यहाँ पे सेम वैल्यूज को फिर से कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन अब साइन का ध्यान रखना है कौन प्लस होगा कौन माइनस. सेम वैल्यू कॉपी पेस्ट करना है, दोनों को नेगेटिव कर देना है, लेकिन साइन वाली वैल्यू को भी और कॉस वाली वैल्यू को भी. ठीक, अब यह हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से सेम वैल्यूज को लिख लेना है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव. तो साइन वाला नेगेटिव कर देना, कॉस वाला पॉजिटिव. वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है तो लिखिए वैल्यूज 1/2, रूट 3/2, देन 1/√2, 1/√2, फिर रूट 3/2, फिर 1/2. जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ साइन. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं. माइनस 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 माइनस, दोनों को नेगेटिव कर देना है. फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यूज को यहाँ से कॉपी करना है. तो वो कॉपी कर लिया है. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस यानी कि कौन? एक्स प्लस एन माइनस. तो आप क्या करिएगा, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है दैट विल रिमेन पॉजिटिव एंड सेकेंड वैल्यूज नेगेटिव. ठीक है, तो अब मैं यहाँ से पूछ रही हूँ आपसे, कॉस 11 पाई बाई 6 बताइए. कॉस 11 पाई बाई 6, कॉस मतलब कि पहली वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस है ना,
रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, साइन इलेवन पाई बाई सिक्स माइनस वन बाई टू। ठीक, किसी भी एंगल को, जब भी कोई बड़ा एंगल है लाइक आपका सेवन पाई बाई सिक्स हो गया, ठीक है, साइन कॉस में निकाला, मान ली टेन में निकाला है, सपोज हमें साइन कॉस नहीं चाहिए, टेन चाहिए, दो मेथड है। पहला तो यूनिट सर्कल से साइन कॉस निकालेंगे, साइन सेवन पाई बाई सिक्स डिवाइडेड बाई कॉस सेवन पाई बाई सिक्स, सेवन पाई बाई सिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, सेवन पाई बाई सिक्स इज हियर, साइन सेवन पाई बाई सिक्स माइनस हाफ डिवाइडेड बाई माइनस रूट थ्री बाई टू, कितना आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री आएगा। एक तरीका ये है, टेन निकालना है, कॉट निकालना, कुछ भी निकालना, साइन कॉस है आपके पास तो सब मिल जाता है। एंड देयर इज, तो ये फर्स्ट अप्रोच है, यूनिट सर्कल से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। और सेकेंड अप्रोच है रिडक्शन फार्मूला, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक।